हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लाइन एंगल्स पार्ट टू। इस पार्ट में बच्चों आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्सल लाइन और कुछ फार्मूला जो ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड है। पहले समझो ट्रांसवर्सल लाइन होता क्या है। देखो बच्चों, जैसा कि तुमको पता है कि अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे मान एक लाइन एल है एक लाइन एम है, तो बोथ लाइन आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लेकिन मान लो तुम्हारे पास दो लाइन है, मान लो एक एल है और एम है, ये दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। एक अनदर लाइन है जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज सेड टू बी लाइन टी। तो उस केस में ये लाइन टी जो है एल को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन एम को भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में इस टी को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो बच्चों ट्रांसवर्सल लाइन वन लाइन होती है जो मोर देन वन लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इट मीन दैट मोर देन वन लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो चाहे वो, जैसे देखो इस केस में एल इज नॉट पैरेलल टू एम, बट द लाइन टी इज इंटरसेक्टिंग बोथ द लाइन एल एंड एम, सो टी सेड टू बी ट्रांसवर्सल लाइन। ऐसे ही बच्चों मान लो एक लाइन एल है एक लाइन एम है, अब बोथ लाइन पैरेलल है, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन है टी, इट इज आल्सो सेड टू बी द ट्रांसवर्सल लाइन। आई थिंक आप ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम कुछ ना थ्योरम कुछ प्रॉपर्टी बताते हैं। बच्चों इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, तो कुछ प्रॉपर्टी में याद कर ले। पहले ट्रांसवर्सल लाइन भी कह सकते हो, देखो एल इज पैरेलल टू एम है और टी क्या है बच्चों, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना, ये टी है, तुम्हारे यहाँ लिख दे रहा है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी याद कर लो, देखो मान लो एंगल ए है और ये एंगल बी है, ठीक है। उस केस में ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, और इस प्रॉपर्टी को कहा गया है को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। को इंटीरियर INTERIOR, इंटीरियर एंगल, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम ऐसे लिखते हैं को COINT और ये एंगल, ठीक है, दैट इज सेड टू बी को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब देखो ए क्या है, वन ऑफ द पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है, सेकेंड पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का एंगल है। तो जो ए और बी है ये वो एंगल्स होते हैं जो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के साथ बनाता है, और उन दोनों एंगल का जो सम है बच्चों 180 डिग्री के ऊपर होता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही मान लो बच्चों कि ये एंगल सी है और ये एंगल डी है, तुम ऐसे भी सोच सकते हो, तो उस केस में भी एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो आपको ना सपोर्टिंग स्टेटमेंट में आपको ये सब लिखने होते हैं, जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि ये 180 डिग्री क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हुआ कि कोई और प्रॉपर्टीज है 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। वैसे बच्चों देखो अगर तुम सोचो तो ए प्लस डी 180 डिग्री होगा, यहाँ जो ए प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है, जाहिर सी बात है वो लीनियर पेयर्स हो रहा होगा, देखो यहाँ 180 लीनियर पेयर्स हो रहा है। ऐसे ही देखो सी प्लस बी जो होगा बच्चों वो भी 180 डिग्री होगा, और ये एंगल सी और एंगल बी ध्यान दीजिएगा, और ये किस वजह से हो रहा है, ये भी तुम्हारा लीनियर पेयर्स हो रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर बार 180 डिग्री कोइंटर एंगल हो, यहाँ लीनियर पेयर्स हो रहा है, यहाँ पॉइंटर एंगल प्रॉपर्टी लग रहा है दोनों में। एक बात और मैं बच्चों बता दूं कि यहाँ पे तुम एंगल ए को तुम एंगल सी भी कह सकते हो, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी कह सकते हो, या एंगल बी इक्वल टू एंगल डी भी कह सकते हो। इन दोनों प्रॉपर्टी को हम लोग कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में ALT.INT.Angles लिख देते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को जरा अलग से समझ लो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे बच्चों, अब हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बता रहे हैं। मान लो एल इज पैरेलल टू एम, हाँ एक बात और बता दे रहे हैं, एल इज पैरेलल टू एम है और कोई ट्रांसवर्सल लाइन टी है। जैसे देखो, जैसे मान लो बच्चों अगर ये एंगल ए है और ये एंगल मान लो बी है, उस केस में ए इक्वल टू बी होगा, और इस प्रॉपर्टी का नाम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक बच्चों। या ऐसे समझो, एक और डायग्राम बना समझाते हैं,
एक लाइन एल है, एक लाइन एम है, दिस इज द ट्रांसवर्सल, एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चों का ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है, उस केस में एक्स इक्वल टू वाई होगा और इस प्रॉपर्टी का भी नाम वही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तब तक आपने दो प्रॉपर्टी देख लिया, एक देख लिया को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दूसरा देख लिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं तीसरे तरह के प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है भाई, इसके बारे में समझ लो। तो आप ना बस ज्योमेट्री दिमाग में रख रही है, न्यूमेरिकल लगेगा तो सब बातें याद हो जाएंगी। मान लो बच्चों एल इज पैरेलल टू एम है और टी इज द ट्रांसवर्सल है। बच्चों मान लो अगर ये कोई एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो तुम देखो ये पैरेलल है इसके, ये ट्रांसवर्सल है, उस केस में ए इक्वल टू बी होगा। अगर ए इक्वल टू बी हो रहा है तो किस नियम से हो रहा है, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ऐसे ही तुम अगर सपोज दैट ये सी एंगल है, ये डी एंगल है, एंगल डी है, ये एंगल सी है, यहां से सी इक्वल टू डी होगा और ये भी इसी प्रॉपर्टी से होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है बच्चों। तो एक ओवरव्यू हम दे देते हैं, एक क्वेश्चन बना के समझा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ये है कि पहला क्वेश्चन मान लो कि एल इज पैरेलल टू एम, मतलब एक डायग्राम ऑलरेडी बना है, मान लो कहेगा क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है कि इन द फिगर, ठीक है, एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, और हम कह देंगे कि ये एंगल वन है, ये एंगल टू है, ये एंगल थ्री है, अब एंगल सिंबल नहीं बना रहे, ये एंगल फोर है, ये एंगल फाइव है, ये एंगल सिक्स है, ये एंगल सेवन है, ये एंगल एट है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन ऐसे है, मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इन फिगर इफ एल इज पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल लाइन। अब बस हम ट्रांसवर्सल लिखते हैं, लाइनें लिखते हैं, ठीक है। इफ एंगल वन इज इक्वल टू, मान लो बच्चों 70 डिग्री है, एंगल वन क्या है बच्चों यहां पे 70 डिग्री है, देन फाइंड, अब क्या फाइंड करना है हमको, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर, एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड एंगल एट, मतलब सभी एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्योमेट्री एग्जाम में पुनः बनानी होगी, दोबारा बनाते हैं, कॉपी में बनाओगे आप, ठीक है। चलो देखो, गिवन दैट है एंगल वन क्या है 70 डिग्री है। अब देखो बहुत से तरीके हैं, अब ऐसा नहीं है कि हम एंगल वन तो एंगल टू ढूंढे, एंगल टू भी निकाल सकते हैं। देखो एक तरीका तो है कि एंगल वन एंगल टू का सम 180 डिग्री होगा, कैसे जाना, जैसे भाई लीनियर पेयर है, यू नो दैट, देखो स्ट्रेट लाइन है वो, तो लीनियर पेयर से तुरंत एंगल टू निकाल सकते हैं, इसलिए ये 70 डिग्री है प्लस एंगल टू इक्वल टू 180 डिग्री, तो बच्चों एंगल टू इक्वल टू होगा 180 माइनस 70, इट गिव्स 110 डिग्री। चलो एंगल टू मिल गया, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अगर एंगल टू मिल गया तो एंगल फोर भी मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल फोर किसके इक्वल है, एंगल टू के, और किस प्रॉपर्टी से लिख रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, थोड़ा सा वर्टिकली आप इसको ऐसे लिखो, अपोजिट एंगल, ठीक है। सो एंगल फोर इक्वल टू एंगल टू है, और एंगल टू की वैल्यू भी निकाल लेते हैं 110 डिग्री। देखो एंगल फोर अब निकल गया। देखो बच्चों, जैसे तुम्हारे पास एंगल वन है तो एंगल थ्री भी तो निकल सकता है, तो सिंस एंगल थ्री भी एंगल वन होगा, किस वजह से होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से होगा, ठीक है बच्चों। तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन, और एंगल वन क्या है 70 डिग्री, देखो तुम्हारा एंगल थ्री भी निकल गया। अच्छा जी, तो यहां से देखो एंगल वन दिया था, एंगल टू फाइंड किया, एंगल फोर फाइंड, एंगल थ्री, ये मतलब सब निकल गया। अच्छा अगर मान लो, अब देखो एंगल फाइव जो एंगल वन के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, एक तरीका तो है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल लगाया जाए तो एंगल फाइव इक्वल टू एंगल वन है, अगर करस्पॉन्डिंग नहीं लगाना है तो कोई एंगल की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या, एंगल फोर प्लस एंगल फाइव इक्वल टू 180 डिग्री, वहां से भी एंगल फाइव निकाल सकते हैं। तो आपके पास तमाम ऑप्शन है एंगल फाइव निकालने के लिए, एंगल सिक्स में चलिए एक बार कोई एंगल की प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है। सिंस एंगल फोर प्लस एंगल फाइव, तो ऐसा लगाते हैं सभी प्रॉपर्टी आ जाए, कोई छूटना, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आ जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आ जाए, करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी आ जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब आप पूरी प्रॉपर्टी की प्रैक्टिस कर लीजिए। हाँ, किस वजह से 180 डिग्री हो बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, ठीक है। आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए,
कि सभी प्रॉपर्टी यहाँ लगा दो, कोई छूटे ना। चलो एंगल फोर की वैल्यू क्या 110 है, ये 110 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 5 इक्वल टू होगा 180 माइनस 110। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स लगाना पड़ा जाएगा, नहीं तो सबसे आसान क्या था इसको, चलो एक तरीका और था, एकदम सिंपल तरीके से कर सकते थे, बताए कैसे सिंपली करते थे, एंगल 5 इक्वल टू बच्चों है एंगल 1 की, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग। देखो कितना आसानी से लग गया ये, सीधे करेस्पॉन्डिंग एंगल कर दो, नहीं करेस्पॉन्डिंग एंगल से इसको एंगल करते हैं, इसको एंगल लिखते हैं ऐसे, पढ़ते भी एंगल है, इसको ऐसे बना के बीच में लगा दोगे दैट इज टू बी एंगल। चलो तो आसानी से लग गया, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 70 डिग्री है, देखो तुरंत आ गया, इस मेथड से तुरंत आ जाता है। चलो एंगल 5 मिल गया, अब देखो एंगल 6 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, देखो एंगल 6 जो है एंगल 2 के इक्वल है, और ये किस प्रॉपर्टी से, ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल से है, चलो करेस्पॉन्डिंग एंगल लगाते हैं, ठीक है ना, कोई मेथड लगा सकते हैं। अब देखो एंगल 2 की वैल्यू बच्चों के 110 है, 110 हो जाएगा, तो फिर निकाल लेते हैं, सब निकल तो गया, एंगल 5 निकल गया, एंगल 6 भी निकल गया ना, अब 6 निकल गया तो एंगल 8 भी निकल जाएगा, चेक कर लीजिएगा एंगल 8 क्या होगा, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 6 होगा, कैसे जाना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 6 क्या निकाले थे 110, ठीक है, चलो एंगल 8 पे, अब एंगल 7 भी निकल गया, एंगल 7 एंगल 5 होगा, कैसे जाना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 5 क्या था बच्चों 70 डिग्री है, ठीक है, देखो ये भी 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये 110 डिग्री होगा, ये 110 होगा तो ये भी 110 डिग्री होगा, ये 110 है तो ये 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा, तो अब देख लो इस तरह से ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगा आपको, ठीक है बच्चों, तो मिला लीजिए, अगर ये 70 डिग्री है तो 110 डिग्री है, ठीक है। चलो अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो कि चैप्टर नंबर है 6.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बच्चों डायग्राम देख के ये मत सोचिएगा कि ए बी पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है, एक्चुअली हमें प्रूफ करना है ए बी इक्वल ए बी पैरेलल टू सी डी। देखो बच्चों कभी भी दो लाइन को अगर तुमको मान लो ये दो लाइन है एल और एम, ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, अभी हमको ये नहीं पता कि ये जो है पैरेलल है कि नहीं है, अगर कुछ ऐसा करो कि अगर तुम ये प्रूफ कर देते हो कि अगर एंगल ए है और एंगल मान लो बी है, अगर तुम ये प्रूफ कर दो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, तब भी तुम कहोगे एल इज पैरेलल टू एम, या अगर तुम ये प्रूफ कर दो बच्चों कि ए इक्वल टू बी, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से प्रूफ कर दो, तो उस केस में ए इक्वल टू बी होगा और ये अल्टरनेट इंटरएंगल होता है, तब भी तुम कह सकते हो कि एल इज पैरेलल टू एम। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हम क्या करें, अगर हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है तो किसी भी तरीके से एक्स बराबर वाई दिखा देंगे, तो ऑटोमेटिक अगर x बराबर y हो गया इसका ये मतलब है अल्टरनेट इंटरएंगल की प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें, और जब अल्टरनेट इंटरएंगल की प्रॉपर्टी लगेगी तो उस केस में AB पैरेलल टू CD हो जाएगा, मतलब कन्वर्स भी सही है। देखो कन्वर्स क्या है, इफ x, देखो एक चीज मैं बता दूं इस डायग्राम के लिए कि इफ एंगल x इक्वल टू एंगल y तो दिस इंप्लाइज दैट AB पैरेलल टू CD, ध्यान समझिएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, If AB parallel to CD, if AB parallel to CD, then this implies x equal to y। बेटा इसका ये मतलब होता है ना कि ये दोनों तरफ चलता है, इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। If x equal to y, this implies ये दोनों तरफ चलेगा। AB parallel to CD, अगर AB parallel to CD है, x equal to y है। याद रखिएगा कि जब भी दो लाइन को पैरेलल दिखाना हो, तो AIA की प्रॉपर्टी ढूंढो उसमें। अगर ए आई ए की प्रॉपर्टी मिल जाती है अल्टरनेट इंटरएंगल प्रॉपर्टी, इसका ये मतलब है कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। चलो देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना, ये डायग्राम पहले बनाओगे। सबसे पहले बच्चों देखो करता क्या है, ये जो है इसका कोई नेमिंग कर दो, मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, छूट गया होगा, आप इसका नाम दे देना टी। देखना सिंस, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये इसको सिंस 50 प्लस एक्स, डायग्राम को देख लो ये 180 डिग्री है, और क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पे होगा, ठीक है, ये लीनियर पे हो गया, यहां से पहले एक्स निकाल लो आप पहले, तो देखो 130 डिग्री आ रहा होगा, 130 डिग्री, हल्का सा डिग्री बनाते जाइएगा, चलिए एक्स मिल गया। एंड आल्सो एक और डायग्राम देखो, वाई इक्वल टू 130 डिग्री ये होगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, और ये किस वजह से हो रहा है बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से, ये वाई इक्वल टू 130 डिग्री, therefore हम क्या देख रहे हैं x equal to y हो गया, क्योंकि दोनों का मान क्या है 130 डिग्री है,
इसका ये मतलब है कि एंगल एक्स एंड एंगल वाई, ठीक है ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू क्या है, सी डी बन जाएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी। और तुम ना सपोर्टिंग स्टेटमेंट में क्या लिखोगे कि एक्स एंड वाई जो है ना वो क्या है बच्चों, आर ऑल्टरनेट एंगल है। तो सपोर्टिंग स्टेटमेंट में जरूर लिखा, ये क्यों लिखा, क्यों, सिंस एक्स एंड वाई क्या हो गए हैं, आर अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं, इस वजह से ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी जाता है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, डायग्राम देखते रहो, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ ऑल्सो वाई रेशियो इज इक्वल टू 3:7, देन फाइंड द एंगल एक्स। देखो बच्चों, ए बी पैरेलल टू सी डी है और सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसका मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये जो लाइन है उसको ट्रांसवर्सल तो होगी। और क्या दिया है, वाई रेशियो इज इक्वल टू 3:7, तो पहले ही से चलते हैं, सिंस वाई रेशियो जेड इज इक्वल टू बच्चों क्या दिया है, 3:7। इसका ये मतलब है कि वाई अपॉन जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, 3:7 है। तो वाई बराबर क्या है बच्चों, 3z/7। चलो, एक रिलेशन आ गया वाई और जेड में, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मान लो बच्चों, देखो एक एक बात होता है कि एक्स और जेड में एक रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा, देखो एक्स इक्वल टू जेड होगा, कैसे जाना, देखो ये तो बात पता है कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, जरा ये समझो, पहली लाइन है ए बी, इसको अलग से समझ लो, अब लास्ट वाली लाइन है ई एफ जो आपस में पैरेलल है, ये कोई ट्रांसवर्सल है। तुम देखो कि ये जो एंगल है जेड और ये एंगल है एक्स, इसका ये मतलब है कि एक्स बराबर जेड है। क्यों एक्स बराबर जेड है, किस प्रॉपर्टी से होगा, तो आप इसको बोलते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद आ रहा है कि नहीं कुछ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बच्चों एक्स बराबर जेड हो गया, सही बात है, बिल्कुल सही है, x इक्वल टू जेड हो गया। अच्छा कुछ और सोचो, और तुम क्या देख रहे हो कि बच्चों कि x प्लस वाई का जो सम होगा ना 180 डिग्री होगा, सिंस x प्लस वाई का सम 180 डिग्री होगा, किस वजह से हुआ, जो उनका कोई इंटीरियर एंगल है, कैसे जाना, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, उस केस में x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों हमारे पास y और z में एक इक्वेशन है फर्स्ट, तो हम भी क्या करेंगे, इसको y z बनाएंगे। तो ये बताओ x बराबर z है और x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं x के जगह पे हम लोग यहाँ z पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो z प्लस y इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। ओके, बताओ x के जगह पे z रख दो और z तो z है, अब इस y के जगह पे इसकी वैल्यू रख दो, यानी 3z/7। तो देखो हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग फर्स्ट, इस तरह से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये है 3z/7, थोड़ा और सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो 7z + 3z, 7z + 3z, 7 = 180 डिग्री, यानी बच्चों ये 10z हो जाएगा, 10z = 180 × 7। देखो 0 0 कैंसिल कर देगा, z बराबर होगा 18 × 7, मल्टीप्लाई कर दो अच्छे से तो z बराबर आ जाएगा 7/56 = 5, 7 × 5 = 12, 126 डिग्री बच्चों आएगा z की वैल्यू, ठीक है। चलो z निकल गया, अब जेड निकल गया तो वाई भी निकल जाएगा, तो वाई इक्वल टू होगा 3 × 126 एंड होल डिवाइडेड बाई 7। जरा डिवाइड कर दो, क्या करना है, 54 आ जाएगा, 54 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों वाई की वैल्यू 54 डिग्री, देखिए हमें तो एक्स निकालना है, तो कोई बात नहीं एक्स भी आ जाएगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से बच्चों वाई की वैल्यू हमारा 54 डिग्री आ गया। अब एक्स कैसे मिलेगा, जी हाँ एक्स, सिंस निकल तो गया था, सिंस एक्स बराबर जेड था, फालतू वाई मैंने निकाला, एक्स बराबर जेड और जेड बराबर 126 डिग्री, ठीक तो था, तो एक्स की वैल्यू हमारा 126 डिग्री आ गया, पहले ही आ गया था। देखो जहां हमने जेड निकाला ना, उसी से मुझे स्टॉप हो जाना चाहिए था, वाई निकालने का कोई रोल नहीं था, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, एक्स चाहिए था और एक्स इक्वल टू जेड है ही। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बच्चों ये जो लाइन है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, और फिर कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, बच्चों ये ई एफ जो है सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है, अर्थात 90 डिग्री है, एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। बच्चों एंगल जी ई डी का है जी ई डी, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल का जो सम है
126 डिग्री है, तो आपको फाइंड करना है पहले एंगल ए जी ई, अर्थात ये एंगल फाइंड करना है, फिर कर रहा है एंगल जी ई एफ, जी ई एफ जो बीच में वो फाइंड करना है, और नेक्स्ट है एंगल एफ जी ई, एफ जी ई अर्थात ये भी एंगल फाइंड करना है। चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, दो गिवन दैट से यहीं से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब डायग्राम आप बनाओगे। सिंस एंगल जी ई डी इक्वल टू है बच्चों 126 डिग्री। अब जरा एंगल जी ई डी को जरा देखो डायग्राम में और ब्रेक करो। देखो एंगल जी ई डी जो है ना दो भागों से मिलकर बना है, पहला एक है एंगल जी ई एफ प्लस एक है एंगल एफ ई डी जो कि 90 डिग्री है, इन दोनों का जो सम है 126 डिग्री है। कहाँ से ये सब लिखा, फ्रॉम फिगर से, मतलब ये कहाँ से कोई रूल नहीं है, मतलब फिगर से मैंने देख कर लिख दिया। चलो एंगल जी ई एफ देखो अननोन है, यही तो मुझे शायद निकालना भी है, और एंगल एफ ई डी कुछ नहीं बल्कि 90 डिग्री, इसलिए डायग्राम को मैंने अपडेट कर दिया था। अब 126 डिग्री, अब बताओ एंगल जी ई एफ है क्या, 126 में से 90 माइनस कर दो क्या आएगा, 6 में 0 6 12 में 9 36 डिग्री आ जाएगा जी ई एफ। हल्का सा डिग्री बनाइएगा और अपडेट कर दीजिएगा, अच्छा होते आगे आंसर लगा दो, क्योंकि एंगल जी ई एफ हमको चाहिए था। चलो मिल गया ये, अब डायग्राम को अपडेट करो। तो बच्चों ये जो एंगल है ना वो 36 डिग्री है। चलिए जैसा कि बच्चों तुम्हें पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिक ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि बोथ लाइन अगर पैरेलल है तो उस केस में 90 ये भी 90 होगा अल्टरनेट इंटर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो चाहो तुम उसको बताओ कि क्यों हम एंगल जी एफ ई को 90 डिग्री कर रहे हैं, तो समझा सकते हो, कोई रूल नहीं है। चलो बता देते हैं क्यों हम 90 डिग्री कर रहे हैं। देखो सिंस ए बी जो है ना वो पैरेलल है सी डी, और साथ ही साथ जो ई एफ है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, सही बात है, ई एफ इज ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, तो शॉर्ट में हम लिख रहे हैं देयरफॉर जो एंगल एफ होगा वो एंगल ई के बराबर होगा। यहाँ एफ का सेंस होता है एंगल ए एफ ई, और ई का जो सेंस होगा एंगल एफ ई डी। चलो फुल फॉर्म में लिख देते हैं, देयरफॉर जो एंगल ए एफ ई होगा ना वो इक्वल होगा एंगल एफ ई डी के, और ये किस प्रॉपर्टी से लिखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। देखो बहुत जरूरी स्टेप नहीं था लेकिन लिख दे रहे हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल ए एफ ई की वैल्यू 90 डिग्री है बच्चों, ए एफ ई की वैल्यू 90 डिग्री लिख दिया, और इसी को हम लोग शॉर्ट में एंगल जी एफ ई भी बोल सकते हैं, ये भी 90 होगा, उसी का पार्ट है ये, बिकॉज अगर एंगल ए एफ ई 90 डिग्री है तो एंगल जी एफ ई भी तो 90 डिग्री होगा। चलो अब तुम ये बताओ क्लास 8 में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर किसी ट्रायंगल में तीन एंगल में से दो एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल कैसे निकालते हैं, द थर्ड एंगल इज द 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एनी टू एंगल्स, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगा देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें निकालना है एंगल एफ जी ई, ये पहले निकल जाएगा, ठीक है, पहले एंगल एफ जी ई निकालते हैं। चलिए इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूं, सिंस इन ट्रायंगल एफ जी ई में, शॉर्ट में लिख देते हैं एंगल एफ एंगल जी और एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एएसपी यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो ना इसमें ना हर स्टेप पे कुछ भी लिखते हैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, अगर नहीं लिखते हो तो मार्क्स कम होने के आसार हो जाते हैं। एंगल एफ 90 डिग्री है, एंगल जी, एंगल जी को फुल फॉर्म क्या है बच्चों, आप लिख सकते हो एंगल जी जो बीच में आएगा एंगल एफ जी ई, यही आएगा एफ जी ई जो निकालना है, और प्लस एंगल ई, एंगल ई वही जो बीच में आया 36 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये जो भी एंगल लिख रहे हैं किस ट्रायंगल में आ रहा है, एंगल ट्रायंगल एफ जी ई के लिए, ट्रायंगल एफ जी ई में जो एंगल ई है वो छोटा वाला 36 डिग्री है, सो एंगल एफ जी ई निकल गया बच्चों 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को ऐड कर दो 90 100 126 डिग्री हो जाएगा। चलो 10 में छोड़ गया, अच्छा बचा यहाँ पे साथ साथ में दो जगह पाएंगे तो 54 डिग्री आना चाहिए, चेक कर लो आप। तो बच्चों अब डायग्राम को अपडेट कर देते हैं, ये जो एंगल है 54 डिग्री है, तो कौन सा है, ये 54 हो गया छोटा सा, ठीक है, अब ये निकालना है। ये बताओ एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। चलो हो गया लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो, तीसरा एंगल भी आ जाएगा। तो सिंस डायरेक्ट लिखते हैं एंगल ए जी ई प्लस और एंगल एफ जी ई, डायग्राम को देखते रहिए,
ये 180 डिग्री होगा और किस वजह से होगा, एलपी से होगा। एलपी मतलब लीनियर पेयर, शॉर्ट में एलपी भी कहते हैं लेकिन आप लोग पूरा लिखे होंगे लीनियर पेयर, एल आई एन ई आर, ठीक है, स्पेलिंग में रहेगा। ओके, एंगल ए जे ई यही तो निकालना था, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। और एंगल एफ जे ई कितना था बच्चों, 54 डिग्री था, इक्वल टू 180 डिग्री। सो 180 माइनस 54 सब्ट्रैक्ट करिए, निकालिए एंगल ए जे ई, तो एंगल ए जी ई आ गया 10 में से 4 गया 6, बचा 7, 7 में से 5 जाएगा तो 126 डिग्री देखो आएगा। यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तीनों वैल्यू आ गया, आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है इन द फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। देखो बच्चों, पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, यानी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है आपस में पैरेलल है, भले दूर है लेकिन आपस में क्या है पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री, बेटा एंगल पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड एंगल आर एस टी 130 डिग्री है। सो आपको प्रूफ क्या निकालना है, यू टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। देखो ये है, देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला एक तरीका यह है कि पी क्यू को एक्सटेंड करो पीछे की तरफ और कहीं ना कहीं ये जो है आपको आर एस को जिस पॉइंट पे कट करेगा, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है ना कि आर से एक लाइन ड्रॉ करो जो पी क्यू या एस टी के पैरेलल हो, तो मैं यही मेथड को अडॉप्ट करता हूँ, ठीक है ना। बुक में पी क्यू को पीछे बढ़ाया है, वो भी एक तरीका है, बुक से भी देख के कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ कि सोल्यूशन में लिख रहा हूँ कि ड्रा ए लाइन, ड्रा ये तरीका सही लग रहा है मुझे, ड्रा ए लाइन, एक लाइन ड्रा कर रहे हैं और इस लाइन का नाम हम एक्स वाई कर रहे हैं, ड्रा ए लाइन एक्स वाई, और ये एक्स वाई पहले हम डायग्राम बनाते हैं उसके बाद समझा करो ये। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट होते हैं ना वो हमेशा डैश लाइन से बनाते हैं, ये रूल होता है, ये कभी भी रेगुलर लाइन का इस्तेमाल मत करना। तो मान लो एक लाइन हमने ड्रा किया एक्स, कुछ नाम ऐसा दो जो इसमें ना आया हो वाई, और ये लाइन ऐसा होगा कि ये जो बच्चों ये पैरेलल होगा तुम्हारे पी क्यू के। अब पी क्यू के पैरेलल होने का मतलब है कि एस टी के भी पैरेलल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि पी क्यू एस टी के पैरेलल है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा लिख रहा है, थोड़ा सा इसको इधर कर, ठीक है, इसको हटा दे रहा है। ड्रा ए लाइन एक्स वाई थ्रू, किससे पास कर रहे हो जरा देख लो, थ्रू आर, मैं आर से होकर जाने वाला, सच दैट इस प्रकार वो एक्स वाई होगा। इसका ये मतलब है कि एक लाइन एक्स वाई ड्रा किया मैंने आर से और इस प्रकार ड्रा किया कि जो एक्स वाई है वो पैरेलल है किसके, पी क्यू के, ठीक है। तो देखो सिंस, अब उसका नीचे आ जाओ, सिंस हमको पहले से पता था कि पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, तभी बताओ पी क्यू पैरेलल टू एस टी ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, और एक्स वाई पैरेलल टू पी क्यू ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ है। इसका ये मतलब है कि बच्चों ये तीनों लाइन आपस में क्या पैरेलल नहीं है, जी हाँ बिल्कुल पैरेलल है, PQ parallel to ST and PQ parallel to XY, इसका ये मतलब होगा XY parallel to ST, इसका ये मतलब होगा तीनों आपस में पैरेलल है। बस ये बता दो कि तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन बच्चों अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल है, ठीक है, तीनों मतलब ये सब आपस में पैरेलल होगा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे जी आदतों को, देखो बच्चों इसको हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं जरा समझिए इस चीज को, कि अगर हम जैसे अगर मैं बच्चों मान लो उस दर के लिए एंगल वन है, उस दर के लिए सपोज कर लो, और ये मान लो एंगल टू है, ठीक, और जिसे निकालना है वो एंगल थ्री है, मान लो एक्चुअली मुझे इसी को फाइंड करना है एंगल थ्री को, तो एक चीज अब देखो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, डायग्राम को मैंने अपडेट कर दिया, मानने की कोई जरूरत नहीं होता, आजकल मैथमेटिशियन सब ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं समय बचाने के लिए। तो डायग्राम में देखो कि पहली बात तो इधर से देख लो कि ये दोनों लाइन ऐसे पैरेलल है, तो आप स्टेटमेंट चलो एक बार लिख लो, सिंस ST parallel to, अब चाहे तुम XY कहो तो चलो XY कर देना, क्या दिक्कत है, और RS क्या बच्चों ट्रांसवर्सल है, RS is ट्रांसवर्सल है, ठीक है, therefore तुम डायरेक्ट लिखो therefore 130 डिग्री और प्लस एंगल वन, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और ये किस प्रॉपर्टी से होगा, को इंटर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। अब यहां से तुरंत तुम एंगल वन निकाल लो, डायग्राम को देखते रहिएगा, एंगल वन 50 डिग्री आएगा, 50 डिग्री बस हो गया, यानी ये 50 डिग्री हो गया। अब देखो अगेन, मतलब कुछ और सेम प्रोसेस वैसे करने वाले, इसलिए मैं अगेन लिखा, अगेन देखो पी क्यू किसके पैरेलल है, देखो पहले ही बताया जा चुका है तीनों आपस पैरेलल है, तो पी क्यू भी समझो एक्स वाई के पैरेलल है, और इसमें अब ट्रांसवर्सल कौन है, इसमें क्यू आर ट्रांसवर्सल है, तो क्यू आर इज ट्रांसवर्सल,
स्टेटमेंट लिखने का तरीका सिखा रहे हैं, ऐसे आप लिख सकते हो देन, तो उस केस में फिर को इंटर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, तो 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, किस वजह से हुआ, को इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। बच्चों यहां से एंगल 2 हो जाएगा 180 माइनस 110 और ये क्या देगा बच्चों 70 डिग्री होगा। चलो ये तो हो गया, अब तुम ये बताओ एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस केस में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल से। अब यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, एडजस्ट कर लेना, सिंस एक्स आर वाई, एक्स वाई भी कह सकते हो एक्स आर वाई भी, सबको एक साथ मिला दो, इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन सही बात है, स्ट्रेट लाइन है। देयर अब डायग्राम देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 तीनों का सम 180 डिग्री होगा। बताओ एंगल 1 की वैल्यू क्या निकल आता है, 50 डिग्री, ओके। एंगल 3 अननोन है, एंगल 2 क्या आया था बच्चों 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से हम एंगल 3 बराबर हो सकता है 180 डिग्री माइनस 70 50 जोड़ 120 आता है, सो एंगल 3 इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री है। अब इसी एंगल 3 को अपडेट करो, क्या नाम था, एंगल QRS था, तो QRS इक्वल टू बच्चों 60 डिग्री है, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, देखो कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो इस तरह से मान लेना चाहिए एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, लेकिन इससे थोड़ा सा लिखने में आसान हो जाता है, स्टेटमेंट लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, बच्चों ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है एंड एंगल APQ 50 डिग्री है, APQ यानी ये जो है बच्चों 50 डिग्री है एंड दिया है एंगल PRD 127 डिग्री, तो बच्चों PRD यानी ये जो एंगल है बच्चों 127 डिग्री है, सो यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं, देखो सबसे स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि बच्चों अभी बताया गया है कि AB पैरेलल टू CD है, इसका ये मतलब होगा कि PR तुम्हारा ट्रांसवर्सल होगा, जब PR ट्रांसवर्सल होगा तो उस केस में 50 प्लस वाई का जो सम होगा 127 इक्वल होगा और ये प्रॉपर्टी होती है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से तुम वाई निकाल सकते हो। चलो इसी स्टेटमेंट को पहले लिखते हैं, सिंस AB पैरेलल टू CD राइट, फिर कॉमा लगाओ, अब इसमें बच्चों ट्रांसवर्सल तुम्हारा PR है, PR इज द ट्रांसवर्सल लाइन या ट्रांसवर्सल करो, ठीक है, देन अब डायग्राम को देखो, तो चलो बता ही देते हैं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं कि एंगल APR इक्वल टू होगा एंगल PRD के, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर शॉर्ट में एंगल, ऐसे लिखते हैं। अब डायग्राम देखो, एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD होगा, एंगल APR बच्चों 50 प्लस वाई होगा, 50 प्लस वाई डिग्री में ये इक्वल टू है एंगल PRD जो कि 127 है, तो बच्चों यहां से वाई को निकल गया हमारा तुरंत 127 माइनस 50 सबट्रैक्ट करो 1 डिग्री आएगा बच्चों, ठीक है वाई की वैल्यू। अब आते हैं एक्स के लिए, ठीक है, तो देखो जैसा कि तुमको बच्चों पता है कि AB पैरेलल टू CD है और PQ अब इसके लिए ट्रांसवर्सल होगा, उस केस में x इक्वल टू 50 होगा अल्टरनेटिव में एंगल प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, देखो अगेन AB पैरेलल टू CD, अब बच्चों इसमें ट्रांसवर्सल PQ हो गया, तो PQ इज ट्रांसवर्सल लाइन, सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ इक्वल टू होगा एंगल PQR, अब चाहे PQR बोलो अच्छा PQD बोलो तुम्हारी मर्जी, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ एंगल APQ बच्चों क्या 50 डिग्री है और एंगल PQR क्या बच्चों x है, सो x बराबर 50 डिग्री आता है, सही है ना, यही हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, x बराबर 50 डिग्री एंड y इक्वल टू 77 डिग्री, यही हमारा क्या बच्चों सॉल्यूशन है।